जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनाइटेड नेशन को स्टडी कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन आपका टॉपिक है आज का, और ये पेज नंबर गालबन 380 हम लोग पढ़ रहे थे। 380 पेज पे जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से और आपका जो उसके फंक्शंस थे उस हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा होगा पेज नंबर 383 में। आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, इसकी तस्वीर आपने ली थी। मुझे जरा मैसेज करके बताएं आपके पास ये पेज है 383। मैसेज टाइप करें और मुझे इन्फॉर्म करें। हरी अब बिल्कुल है तलहा, मुझे आप कह रहे हैं मेरे पास है। जी है, आपके पास नहीं है चांद, लेकिन अच्छी तरह देखे मिल जाएगा। बाकी बाकी अगर एक के पास है इसका मतलब सबके पास होना चाहिए। ये जो आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, हम इसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये आप कहने के मेन इसके जो ऑर्गन्स हैं वो जो काबिले जिक्र है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप इनको प्रोमिनेंट और ये बड़े डोमिनेंट इदारे हैं, ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के जो कि आपको नजर आते हैं। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पहले पढ़ते हैं। हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को डिस्कस कर चुके थे, तो इस हवाले से हम लोग जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, हम लोगों ने इसका ओवरव्यू लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा वर्बली बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से, तो आज थोड़ा सा इसको डिटेल से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं रीड भी करूंगा, उसके बाद फिर जो है आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड भी करूंगा। आपके पास ये पेज होना चाहिए, अगर किसी एक स्टूडेंट के पास भी है तो आप सबके पास होना चाहिए। पेज नंबर 383 है, पेज नंबर 383 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्योंकि अगर एक के पास है तो इसका मतलब वो पिक्चर आपको गई हुई है। आप दोबारा से उसको देखिए अच्छी तरह, आपको होपफुली मिल जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी जैसे ही मेरा वो व्हाट्सएप एक्टिवेट होता है तो मैं आपको उस पर दोबारा से जो है वो इसकी पूरे टॉपिक की फिर से लेके भेज दूंगा। फिलहाल अभी जो मैंने आपको सेंड किया उसी से आप देखें। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट हॉग इन हॉलैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। द जजेस आर इलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट फ्रॉम अमंगस्ट द जजेस बिलोंगिंग टू द मेंबर कंट्रीज। नो कंट्री इज एंटाइटल्ड टू सेंड टू और मोर जजेस इन द कोर्ट। All the decisions of the court are taken by majority vote of those present and voting. In case of tie, the chief judge will use his casting vote to break the deadlock. Chief judge and vice president of court are elected for 3 years. अच्छा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन का एक अहम ऑर्गन है। बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इंटरनेशनल, जो मैंने बताया था, अगर कोई भी दो स्टेट्स और उनके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट होता है इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाते हैं, जिसकी रिसेंट एग्जाम्पल आपको भी मैं बहुत सारी और भी एग्जाम्पल है, लेकिन रिसेंट आप देखते हैं कि आपकी इंडियन पाकिस्तान की जो कुलभूषण यादव के ऊपर जो था वो इंडिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे,
और ये सारे केस की जो प्रोसीडिंग हुई थी कुछ 6 महीने साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, तो वो आप कोई भी इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सुनता है, उसमें डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फैसला किया जाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इसके ऊपर आप कोई भी आप कह लें कि अदालत इसके जो फैसला है इसके जो डिसीजन है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हॉग इन हॉलैंड, हॉलैंड जो अब नेदरलैंड भी जिसका नाम जो है वो रखा गया, इसका शहर है हॉग, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, 15 जजेस टोटल होते हैं। उसके बाद इसको जनरल असेंबली और जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल होती है उनको इलेक्ट करती है, और 9 ईयर्स इनका टेन्योर होता है, 9 साल का। और जजेस जो होते हैं वो प्योरली आप कह लें कि मेरिट पे उनको इलेक्ट किया जाता है, जिस भी स्टेट के वो जजेस होते हैं उस स्टेट की जो आला अदलिया होती है, या आप कह लें कि वेल नोन पर्सनैलिटी अबाउट लॉ के हवाले से, स्पेशली उसका कोई नाम और असर रसूख और एक अच्छा कैंडिडेट हो उस कंट्री का, तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है या वो इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है। और कोई भी कंट्री का जो जज है वो उसका मेंबर बन सकता है, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हजरात हैं उनमें से। तो कोई भी कंट्री जो है वो 2 जजेस एट अ टाइम, एक कंट्री से 2 जजेस नहीं इलेक्ट हो सकते, सिंगल इलेक्शन होगा, एक यानी कि इलेक्ट होगा। अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो यार थोड़ा सा आज आपको पता है कि आवाज का ये प्रॉब्लम है कि दुनिया जहाँ पे 50 बंदे इस टाइम नेट यूज कर रहे हैं 12 बजे, वहां पे कोरोना में बच्चे घर है, हर बंदा घर है, तो अब ये 100 पीपल यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा आपको शायद आवाज के हवाले से, क्योंकि वैसे तो मेरे सिग्नल पूरे आ रहे हैं नेट के, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें। अगर बिल्कुल समझ नहीं आती तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप रिपीट कर लीजिएगा, मैं आप मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको रिपीट कर दूंगा उस बात को, लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है क्योंकि लोड ज्यादा है नेट के ऊपर, वर्क लोड एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ बिट। कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन मैसेज मी, आई विल टेल यू अगेन। अच्छा जी, ऑल द डिसीजंस आर कोर्ट्स आर टेकन बाय मेजॉरिटी। जी, कोई भी जो डिसीजन है, फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीजन अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कोई फैसला उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, तो उस हवाले से अगर प्रॉब्लम आती है, लाइक फॉर एग्जांपल 4-4 जजेस वो कह रहा है, 4 जजेस कहते हैं फैसला ठीक है, 4 जजेस अगेंस्ट में फैसला करते हैं, या डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो जो 9th जज है आपका वो इस डेडलॉक को ब्रेक करेगा अपने डिसीजन मेकिंग के साथ, अपना डिसीजन लेके, तो वो डिसीजन को किसी एक के हक में दे सकता है। और जो उसके जो चीफ जज होता है या आप जो उसका प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो 3 इयर्स का टेन्योर होता है। ये टेन्योर याद रखिए कि टेन्योर जो है ये कब कब है, लाइक 9 इयर्स ऑफिशियली जो जज होगा उसका टेन्योर होगा, और 3 इयर्स प्रेसिडेंट एंड जो प्रेसिडेंट और कौन चीफ जज होगा उसका, 3 इयर्स का टेन्योर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये कह रहे हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, चलिए अच्छी बात है, अगर आवाज आ रही तो अच्छा है। आप अपना नेट चेक कर लें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, मेरा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो है वो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, नेट की लोड काफी है ये, बल्कि आम नॉर्मल डेज में तो कभी आज तक इसमें डिस्टॉर्शन या प्रॉब्लम नेट में नहीं आया, क्योंकि अभी नेट भी मेरा अच्छा लगा हुआ है, वो अच्छी स्पीड वाला है, लेकिन अभी ज़ाहिर आपको पता है कोरोना की वजह से नेट की जो कनेक्शन है वो ज्यादा है, उस वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ 383 पेज के ऊपर, द कोर्ट इज इन कॉन्टिन्यूस सेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ हॉलीडेज, द प्रेजेंस ऑफ 9 out of 15 judges कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, अ चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ 3 judges इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड स्पेसिफिक केसेस व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस, द जज गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशन डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, in addition to accepting the rules of conduct observed by civilized states in their mutual relations, the canons of international morality based on the rule of law and the commentaries of reputed jurists on the principle of international law are also given due importance. French and English both are the official language of the court. No appeal can be made. The decision
against the decision of court. Nevertheless, the aggrieved party can apply for revision of judgment after the lapse of 10 years of the basic of fresh cases of action. जी, अब इसमें दो तीन बातें उसने इकट्ठी की है, जरा गौर से सुनिए. सबसे पहले वो ये कह रहा है कि अब इस हवाले से वो बात करें कि कोर्ट जो अपना उसका जो टेन्योर है कोर्ट का वो कंटिन्यूसली विदाउट एनी आप हॉलीडे उसको कंटिन्यू करते हैं. कोई हॉलीडे नहीं है, कोई एक्सेप्शन हॉलीडे होती है तो उसके अलावा जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है जो उसका सेशन है वो कंटिन्यू रहता है, किसी वजह से स्टॉप नहीं करता. ठीक है, जो भी मामलात प्रोसीडिंग अंडर प्रोसेस है. बेटा पेज नंबर 383 आपको मैंने म्यूट नहीं किया, जो नए आने वाले हजरात हैं वो इसलिए नहीं किया, आप लेट भी बहुत ज्यादा है तो आप जो है खामोशी से इधर बैठ जाए. मैं म्यूट ऑल दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि आप लेट हैं. नेक्स्ट टाइम लेट मत आइएगा, कल से जो क्लासेस हैं टाइम से ले. अभी मैं दोबारा से आपको फिर म्यूट कर रहा हूँ, जो नए हजरात हैं उनको भी. अच्छा जी, आप कह रहे हैं टोटल 15 जजेस में से भी 9 जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूट जो कोरम है उसको पूरा करते हैं 9 जजेस जो. ठीक है, और स्पेसिफिकली 3 जजेस जो है वो कोई भी आप अगर डिसीजन मेकिंग किसी भी हवाले से 3 जजेस जो वो करते हैं कर सकते हैं और आप उसको कंटिन्यू करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर 3 जजेस. और ओवरऑल बात कर रहा है कि जो आपकी अब देखिए, अब आप कहते हैं हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा. सर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो सजा जजा का अमल होगा. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो क्लॉजेज है वो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट है, लाइक हमारा कुरान सुना जो कहता है उसके अकॉर्डिंग है. अब हर कंट्री का डिफरेंट होता है. इसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनली रूल्स कंडक्ट किए रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ये इंटरनेशनली जो रूल्स बनाए जाते हैं तमाम कंट्रीज के ऊपर जो लागू होते हैं उनकी उनकी उनको देखते हुए डिसीजन मेकिंग होती है. स्पेशली जो इंटरनेशनली मोरालिटी बेस्ड ऑन जो आपकी आप कह लें कि रिप्यूटेड ज्यूरिस्ट है कानूनदान है उनके तबसरे और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उस कानून के हवाले से उसके ऊपर उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसला किया जाता है. ठीक है, जो कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी है जो आप कह लें कि मोरालिटी अखलाकियात जो इंटरनेशनली जो रूल्स रेगुलेशन है जैसे ह्यूमन राइट्स का मैग्ना कार्टा आप देखते हैं एक बड़ा आप डोमिनेंट और प्रोमिनेंट एक कन्वेंशन है इसके तहत आप तमाम फैसले करते हैं और भी छोटी छोटी बहुत सारी जो है वो ट्रीटीज हैं स्टेट के हवाले से और लॉज के हवाले से. तो आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है जो रिप्यूटेड ज्यूरिस्ट है वो इसकी असूल और जावियों का तायुन करती है और उनको देखते हुए उनको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन मेकिंग करती है. ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है टू लैंग्वेजेस आर द ऑफिशियल लैंग्वेज. नंबर वन लैंग्वेज कौन सी है जी आपकी फ्रेंच एंड इंग्लिश. बोथ लैंग्वेजेस आर द परमानेंट लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसकी. ठीक है, अब इसमें और दूसरी जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट कर रहा है कि जो भी ग्रीव पार्टी है यानी कि लाइक आप कह लें कि किसी के खिलाफ अगेंस्ट डिसीजन आता है किसी पार्टी के खिलाफ ग्रीव मतलब कि वैसे तो ग्रीव का मतलब होता है गमजदा. इसी गमजदा ही होगा जिसके केस में अगर वो परेशान या ग्रीव कह ले या मदई कह ले जो पार्टी है वो किसी केस को वैसे चैलेंज नहीं आप कर सकते. लाइक जैसे हम यहाँ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ उधर चले जाए आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते इसको क्योंकि एक लास्ट फॉर्मूला है जो डिसीजन मेकिंग होगी आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कोई चैलेंज नहीं है. लेकिन अगर अगर आप उसको करना भी चाहते हैं दोबारा से आपको लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आप एटलीस्ट 10 साल गुजरने के बाद 10 इयर्स आफ्टर आप जो है वो उस केस के हवाले से दोबारा से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं नया केस के तौर पे लाकर उसको दोबारा उसकी जो है वो सुनवाई हो सकती है लेकिन नॉट बिफोर देन 10 इयर्स 10 साल से पहले नहीं. ठीक है, जी बच्चों समझ आ रही है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूं. ओके सर, जरूर. यस सर, समझ. ओके, थैंक यू सर. जी
नेक्स्ट पेज है जी 384, फंक्शंस की बात कर रहे हैं जी. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुज डिसीजन आर बाइंडिंग एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन. एवरी मेंबर स्टेट हैज एक्सेस टू द कोर्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय इट्स डिसीजन इन केस इट बिकम पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट. बेटा फिर वही हरकत कर रहे हैं आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको. जी every member state has access to the court and it is expected to abide the decision in the case of it become party a dispute. The court is fully authorized to settle all dispute of international character provided the matter it brought before the court in the form of cases. The court also performs the functions of interpreting and explaining the content of any rules of international law. Thus, any organ of the United Nations is entitled to seek the legal advice from the court. Moreover, the court can also interpret and explain the provisions incorporated in any international treaty agreement or pact. Ji. अच्छा अब इसमें दो तीन बातें कर रहा हूँ. फंक्शन के हवाले से बात कर रहा है कि इसके फंक्शन क्या क्या है. आप सब जानते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी की है, उसमें थोड़ी सी वो ऐड चीजें कर रहा है. स्पेशली वो कहते हैं इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक यूनाइटेड नेशन का बड़ा अहम ऑर्गन है और जो भी असूल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू डैट जो रूल्स रेगुलेशन, तमाम वो जो स्टेट के जो मेम्बरान हैं वो उसको फॉलो करेंगे और जो यूनाइटेड नेशन के भी जो आपके ऑर्गन्स हैं उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे. कोई भी जो स्टेट मेंबर इसका मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, वो अपना इशू जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकता है और तमाम जो डिस्प्यूट्स है वो इंटरनेशनल करेक्टर के तौर पर जो प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक उसको उसकी सुनवाई करेगा. लेकिन उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने अकॉर्डिंग टू जो उनका लॉज है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी. इंटरप्रिटेशन से मुराद कि आप देखें कोई भी कानून है उसको एक्सप्लेन करना, उसके अंदर कुछ एड लेस करके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, इखलाकियात मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरनेशनल रूल्स है उनको मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसले किए जाते हैं. ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी जो है वो हवाले से किसी भी लॉ को जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है, उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है. और स्पेशली यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो जनरल असम्बली है, वो तमाम तरह की जो लीगल एडवाइस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेता है और ली जाती है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी जो प्रोविजंस हैं उस हवाले से, और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और पैक्ट साइन अकॉर्डिंग टू डैट उसको वो उसको इसकी तशरीह करता है उस कानून की. लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग जब होती है तो हर स्टेट ये कह सकता है कि मेरे रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ही है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल रूल्स हैं या जो असूल जाविये बना दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू डैट उसके ऊपर जो है, चाहे वो दोनों जो पार्टीज डिस्प्यूट में है, दो स्टेट्स डिस्प्यूट में है, तीन स्टेट डिस्प्यूट में है, वो अकॉर्डिंग टू डैट इंटरनेशनल लॉज वो उसको फॉलो करेगी, उसको अबाइड करेगी, उसको जो है वो निग्लेक्ट नहीं कर सकती या ये नहीं कह सकती है, मैं नहीं अब इस केस को मानता, मैं इस डिसीजन को नहीं मानता तो लिहाजा जो है वो मैं अपने फैसले पे अमल दरामद करूंगा. जैसे अभी कुलभूषण यादव के फैसले पे आप देखते हैं कि आपने उसको सजाए मौत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसको सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन आप देखते हैं कि उसके बावजूद अभी हम उसको हैंग नहीं कर सके क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा आपकी जो ये जो हैंगिंग की सूरत हाल है, जो सजा देना उसको, उसके ऊपर नजरसानी की जाए दोबारा. आपको पता है इंटरनेशनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो कहता है अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको सजाए मौत दी जाए, लेकिन बहुत सारे आपकी कंट्रीज है, 90% आपके ऐसे कंट्रीज है जो आपको सजाए मौत नहीं देते, हैंग नहीं करते, आपको डेथ सेंटेंस हो जाती है, आपको उम्र कैद जिसको बोलते हैं कि आप उम्र कैद में आप रह लें, ता हयात उम्र कैद होती है. देखिए आपको पता है कि जेल के अंदर जो होते हैं वो जो उम्र कैद का टेन्योर होता है वो जेल में दिन रात कंसीडर किया जाता है, यानी कि दिन और रात हमारे एक दिन होता है, उधर जेल के अंदर दिन रात दो दिन कंसीडर किए जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 20 साल की सजा होती है तो इट्स मीन लाइक 9 to 10 years उसको प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर रहेगा वो. ठीक है, क्योंकि जेल के जो दिन होते हैं वो हमारे 24 घंटे, उनके वो 48 घंटे कंसिडर होते हैं, दो दिन माने जाते हैं. और
इस हवाले से अगर आप देखते हैं तो उम्र कैद जो है अगर 22 से 24 साल 25 साल तो 12 साल 10 11 12 साल बाद वो जो है वो आजाद हो जाता है, छूट जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन एक होती है डेथ आप यानी कि अगर आप 20 साल जिंदा है, 30 साल जिंदा है, 40 साल जिंदा है तो आप 40 साल आप जेल के अंदर ही रहेंगे, आपको जो है वो आप रिहा नहीं हो सकते जब तक आप डेथ नहीं होती, लेकिन आपको हैंग नहीं किया जाएगा। तो आपके जितने भी यूरोपियन स्टेट्स हैं वेस्ट की तरफ सब देख रहे हैं, वहां पे कहीं भी ये रूल नहीं है उसको फंदा लगा देना जैसे हमारे पाकिस्तान में लगता है। तो उस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि आप जो इसके ऊपर नजरसानी करें, तो अभी भी ये डिसीजन आप देखते हैं पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम कोई अमल दरामद नहीं कर सकते। हालांकि हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमने बड़ी वाजिया जो है वो उनको दलीलें प्रोवाइड की हैं जिसकी बेस के ऊपर ये होगा, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो इसको एक्सेप्ट जरूर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि ही वाज अ स्पाई, बट ये कि अभी जो आपकी हैंगिंग वाली है उसके ऊपर नजरसानी की अपील है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से। जी आगे कह रहा जी सेक्रेटरीट है 384 पे, उसी के नीचे है, आपकी क्लास जो है वो 40 मिनट की, यहाँ 45 मिनट की होती है, तो आपकी क्लास सवा एक तक खत्म होगी, डेढ़ बजे तक ही होगी। बेटा मैसेज में लिखे, मैसेज में जो मसला है आपका, सर ना लिखे, मैसेज में अपना मसला बताएं। आई समझ आपको? सर आप बात को सुने। बेटा तुम्हें कह रहा हूँ मैसेज में लिखो, समझ नहीं आ रही, एक दफा आपको फारसी बोल रहा हूँ मैं, आप मैसेज में बात करो मुझसे, मैसेज में आपकी बात सुन रहा हूँ बेटा मैं। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा मैसेज में मुझे बताया ना, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आपको बताऊं, मुझे मैसेज लिखे, मुझे आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, आप मुझे मैसेज में लिख के भेजें सर, आवाज नहीं आ रही तो उसका मैं कोई हल निकालता हूं, आप बीच में बोले नहीं, आवाज बेटा मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आवाज का थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहाँ आती है कहीं नहीं आती है, थोड़ा सा अगर ड्रॉप होती तो प्लीज इसको जरा सेक्रीफाइस करें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अभी मुझे तो सिग्नल पूरे आ रहे हैं लेकिन फिर भी अगर डिस्टॉर्शन हो रही है तो उससे जरा आपको जो है वो क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वर्कलोड ज्यादा है इस वजह से थोड़ा हो सकता है, मैं दोबारा उसको रिकॉल कर दूंगा, आपको मसला है तो आप मुझे मैसेज में जो पॉइंट समझ नहीं है मुझे लिख दें, मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा आपने लिखा जी तल्हा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तल्हा आपको मैं आंसर करता हूँ। हाँ जी इनकी इनकी तरफ की कईयों का अपना मसला है तो वो समझ रहे, इधर से सर की बाज नहीं आ रही, कईयों का अपना नेट भी आप चेक कर लें, आपका भी इशू हो सकता है, मेरी तरफ इधर सिग्नल पूरे हैं और बाकी बच्चों को भी आवाज आ रही है, तो जरा आप अपना एक दफा नेट चेक कर लीजिए, शायद आपका भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल क्लियर, कोई मसला नहीं। हाँ जी ठीक है ठीक है। जी वो भी उस केस को सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा कंट्री का जो जज है अपॉइंट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर और अगर वो उस कंट्री का केस आ जाए, बहुत कम ऐसे हुआ है, अगर होता है तो आप देखें आपको डिसीजन मेकिंग जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक करनी चाहिए या करते हैं आप, आपकी फेवरिज्म नहीं कर सकते कि अगर आपको लगता है कि लाइक आप मेरी स्टेट का है तो मैं इसको जरा फेवर कर दूं, ऐसा नहीं होगा इंटरनेशनली, आप ये आप किसी एक बंदे की डिसीजन के ऊपर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप थोड़ी सी फेवर देता भी है तो एक को एक जज ने इसका फैसला नहीं करना होता, तो इस हवाले से कोई इतनी ज्यादा इसके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन इट्स अप टू हिम, वो कर भी सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू आप इंटरनेशनल लॉ जो भी कोई फैसला है वो उसके मुताबिक ही होता है, जो इंटरनेशनल लॉज जो मोरालिटी है अखलाकियात जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन बयान किए उसके मुताबिक होता है, कोई फेवरिज्म नहीं होता। ठीक है ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਦਾ ਵੇਚ ਵੇਛੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਈ। ਬੇਟਾ ਡੋਨਟ ਟਾਕ, ਅਬ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ सुल्तान आपका क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर करता हूँ। इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर ले, देन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सिक्स पॉइंट है, सेक्रेटरीट टू सुपरवाइज द कंडक्ट द ऑफिशियल बिजनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। अ सेक्रेटरीट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कंसिस्टिंग ऑफ वन सेक्रेटरी जनरल एंड अ नंबर ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरीज। सेक्रेटरी जनरल इज नॉर्मली टेकन from any neutral country which is member of United Nations.
He is elected by General Assembly and Security Council for a tenure of 5 years. The rest of the official staff is appointed by Secretary General according to the rules enacted by the Assembly. Every important administrative branch of the Secretariat work under the supervision of Assistant Secretary. The administrative staff is recruited from the member countries. The new Secretary General term started in 1932 is an Egyptian citizen. At the present, 20 Assistant Secretaries General and 20 subordinate secretaries perform most of the important function. अच्छा जी सेक्रेटरीट की क्या जी बेसिकली जो सेक्रेटरीट है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आप कह लें कि इंस्टीट्यूशन है. बेसिकली इसका मकसद क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस करता है किसी भी स्टेट की दूसरी स्टेट के किसी भी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ. अब ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली जो इसका आप यूनाइटेड नेशन के मामला जो देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से. जी आ रही क्लियर ही है. और इसके जो मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल से इसको टेन्योर फाइव ईयर इनका टेन्योर होता है. उनसे इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं. बेसिकली इनका जो काम है वो आपके इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह लें कि ब्रांचेस हैं सेक्रेटरीट की वो काम करती हैं अकॉर्डिंग टू द सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी. कोई ना कोई काम करेगा. और भाई पॉलिसी कौन सी इसके फंक्शंस बड़े दिन आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरीट इज टू डू ऑल टाइप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्रिजर्व द रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग द जी. अब इसका बेसिक मकसद क्या है वो समझे जरा. बेसिक मकसद इसका ये है कि तमाम जो आपके रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटीज हुई है, लाइक कोई भी सेशन हुआ है, कोई प्रोसीडिंग हुई है, कोई किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग हुई है, ये तमाम जो फैसले होते हैं वो कहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है. बेसिकली जो सेक्रेटरीट है वो तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखता है. तमाम चीजों का जो रिकॉर्ड है वो सेक्रेटरीट के पास होगा. जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, कोई डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, कोई डिपार्टमेंटल इश्यूज है, किसी भी हवाले से कोई भी जो मामलात है वो आपका इसमें रिकॉर्ड होता है. इनके पास इसका रिकॉर्ड होता है सेक्रेटरीट का. तमाम जो भी इजलास होते हैं, सेशन होते हैं, मामलात होते हैं, तमाम का तमाम किसी को भी किसी चीज की रिकॉर्ड चाहिए तो वो आपको यहां से मिलेगा. ठीक है. ऑल इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं आप उसको भी जो है वो रजिस्टर्ड करता है, वो सेक्रेटरीट के अंदर रजिस्टर्ड होती है. उनकी जो प्रोविजन है तमाम ट्रीटी होता है मुआहदा. कोई भी मुआहदे है, कोई भी आप देखें कि उस हवाले से फैसला किया जाता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं, तो तमाम के तमाम जो वो सेक्रेटरीट के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे. बेसिकली इसका काम है कॉरेस्पॉन्डेंस करना और आपका जो डाटा है उसको सेव करना कोई भी एक्टिविटीज और इस हवाले से. ठीक है जी. अब मुझे आप क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका आंसर करूं, उसके बाद फिर आगे अगला काम करते हैं. जी सुल्तान, आपने लिखा है सर आईसीजी को हक है कि वो कोई भी स्पाइंग का केस सुन सकता है कुछ. देखिए स्पाइंग का मसला एक कंट्री का, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो दो कंट्रीज की हो गई ना. और एक कंट्री कहते हैं मैं स्पाइंग नहीं कर रहा था, दूसरा कहता है आप स्पाई थे, तो उसका फैसला कौन करेगा. उसका फैसला फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट है. तो आपने तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन आपने तो फैसला दे दिया कि जो स्पाई है उसको सजाए मौत दे दी जाए. अब मैंने जैसे बताया था इंटरनेशनल जब कंफ्लिक्ट बन जाता है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो उसका फिर हल क्या है. फैसला तो कहीं करना है ना, उसका फिर फैसले का जो हल है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू रियलिटी को देखते हुए आया वो वाकई स्पाई है नहीं है उसके मुताबिक फैसला करता है. आपको पता है इंडिया का जज भी है मेरे ख्याल में, उनका नाम मुझे नहीं आता, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर जज है. तो उस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का बेशक अपना इंटरनल उनका मैटर है नेशनल सिक्योरिटी का, लेकिन ये इंटरनेशनली इसको इसमें इन्वॉल्वमेंट है दो स्टेट्स की. तो अगर एक स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है. अगर तो इंडिया इसको ओन ही ना करता, इंडिया ने ओन कर लिया और इंडिया को ओन करना पड़ा क्योंकि आप उसके पास आपका जो उसका रिकॉर्ड जो है वो मिलता है कि वो नेवी में था, इंडियन नेवी के अंदर, और इसने सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एफिलिएशन है वो इंडिया से क्लियर हो गई. तो इसलिए और इंडिया इसको एक्सेप्ट भी करता है
और उसका जो है उसने कन्फेस भी किया है। हालांकि बेशक वो कह सकते हैं कन्फेस जो है मैंने मुझे बाय फोर्स कन्फेस करवाया गया, लेकिन कन्फेस उसने किया है, बयान रिकॉर्ड दिया है। तो उसके बाद ये लेकिन इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया अपना केस, किसको सजाए मौत नहीं देंगे, हम नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले गए, पहले इंडिया गया, इंडिया ने कहा कि इसको हैंग नहीं करे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान इसके ऊपर गलत इल्जाम लगा, और आपको पता है इंटरनेशनली बदनामी का बायस भी बनती है चीजें कि अगर आप किसी भी स्टेट के कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो पहली बात है स्टेट्स ओन ही नहीं करती, ठीक है। अगर कोई ऑन करता है तो वो इस तरह ऑन करता है, आप देखें कि फिर उसकी बदनामी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी इशू है कि इंडिया की बदनामी इंटरनेशनल कम्युनिटी में होगी कि स्पाइंग करता है दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, तो उसको डिफेंड वो कर रहे थे बेसिकली। तो ये फैसला हो सकता है बिल्कुल केस सुन सकते हैं। ये किसी और का अगर इशू है तो मुझसे पूछे, देन उसके बाद फिर आगे देखते हैं। वैसे क्लास जो ये थोड़ी रहेगी, मैं आपकी जो है अटेंडेंस लगा लूँ, मेरे ख्याल में क्लास का जो है आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूँ।